Good evening to UK and St. Martin. Good afternoon. That's only me, I guess. And yes, it's again another special episode that we always bring to you. All of our episodes are special. This one is on the moon. So somebody landed on the moon, and we got this idea of having our theme set as the moon. तो चांद के ऊपर एक शायरी है हमारे दोस्तों के लिए है। मत पूछो मेरी जागने की वजह, ए चांद, मत पूछो मेरे जागने की वजह, तेरा ही एक हमशक्ल है जो मुझे सोने नहीं देता। वाह लेट्स इनवाइट अवर सुपर स्टार मिस्टर उजी, अवर होस्ट, परमानेंट होस्ट of musical minds वाह to host this special episode. ओके थैंक यू स्नेह जी। सो एवरीबॉडी वेलकम अगेन टू म्यूजिकल माइंड्स। हम हमारे साथ हमेशा नए नए एक्साइट करने वाले थीम्स लेके आते हैं, और थीम्स की शुरुआत होती है मेरे गाने से और स्नेह जी के गाने से, और फिर उसके बाद में सभी उस थीम को एंजॉय करते हैं, अपने अपने गाने पेश करते हैं। बड़ा मज़ा आता है। आज का दिन खास है, चांद के ऊपर हमारा टॉपिक है, और हमारी स्नेह गमारिया जी जो कि इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर है, उनका आज बर्थडे भी है, तो मैं उनको उनके बर्थडे के मौके पे थैंक कामनाएं देता हूँ, हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ मेरी तरफ से। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे स्नेह जी, और गॉड ब्लेस यू फॉर एवरीथिंग एंड मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। जो आप सोचे वो पूरा हो। और इट्स कम ट्रू, सो दैट्स गारंटीड फॉर श्योर। तो आज बिल्कुल चांद की तरह लग रही हैं, सभी लोग चांद की तरह चमक रहे हैं आज। और आज का जो मेरा प्रोग्राम का शुरुआत का सॉन्ग है, नॉर्मली मैं थीम से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन मैं आज थीम से स्टार्ट नहीं करूँगा। मैं ये गाना डेडिकेट करता हूँ स्नेह जी के लिए, उनके बर्थडे के मौके पर। तो पेशे खिदमत है आपके लिए ये सॉन्ग। दिन ये आए बार बार, दिल ये गाए बार बार, दिल ये गाए तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू स्नेह, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए बार बार, दिल ये गाए तू जिए हजारों साल, ये मेरी है। Happy birthday to you.
कहलाए, हर कली अगर धड़ जाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरजू। एब्सोल्युटली, आई मीन अभी तारीफ कर सबको पता है कि उजी जी बड़ा एकदम सुर में अच्छा गाते हैं, तो मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बट थैंक यू फॉर द लवली विशेस एंड द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग वर वंडरफुल। या थरली एंजॉयड द सॉन्ग। बिसाइड्स दैट आई कुड फील द लव दैट केम थ्रू एंड यस फॉर यू। थैंक यू सो मच। तो गाने की शुरुआत हुई बर्थडे के सॉन्ग से, लेकिन जहाँ पर एक वर्ड चांद का आ जाता है तो थीम भी पूरी हो जाती है वहाँ पर, और स्नेह जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाता है। आखिर में जब मैं गाना गाऊंगा तो चांद के थीम पे गाऊंगा और आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, चांद के ऊपर गाने के लिए अब हम हमारे पार्टिसिपेंट्स को बुलाएंगे। स्नेह दमारिया जी, आप किसको बुलाना चाहती हैं पहले प्लीज? Like to call Ratna ji first, followed by Urmil ji and then Swastika ji. Perfect. Ratna ji, आइए आप अपनी मखमली आवाज में क्लासिकल बेस टोन के साथ में एक अच्छा सा नगमा सुनाएंगे। Welcome. Thank you. This song specially dedicated to Sneh ji. Okay. Right. Shall we start now? जवाब हो
अमेरिका चांद हो बहुत ही खूबसूरत गाया आपने रफ़ी साहब का ये सॉन्ग है, बहुत ही डिफ़िकल्ट सॉन्ग है, सुनने में आसान लगता है, क्लासिकल सेमी क्लासिकल बेस सॉन्ग है ये, तो इसके जो उतार चढ़ाव, इसके जो विब्राटोज हैं और जो वर्डिंग्स हैं इसकी, वो प्योर उर्दू वर्डिंग्स हैं, कई वर्ड्स लोगों को समझ में भी नहीं आते। आपने इसको बहुत ही बखूबी गाया, इस बात का डाउट नहीं है कि आप गाना सही नहीं गा सकती, बिल्कुल सही गा सकती है, बिकॉज यू हैव अ नॉलेज ऑफ क्लासिकल सिंगिंग एंड सिंगिंग क्लासिकल based song on karaoke track, a person like you makes it more amazing, make it sound so beautiful that we enjoyed thoroughly every single beat of it. So nice, Ratna ji, thank you so much. Thank you. It was specially meant to be Chaudhary ke Chand, our Sneha ji's lovely Chand face. You're embarrassed. I'm not so it was dedicated especially. Thank you. मुझे लगता है स्वास्तिका जी ने लगता है सोच समझ के चांद का टॉपिक चूज किया, उनको पता होगा कि स्नेह जी का बर्थडे आ रहा है, चलिए चांद को ही पकड़ लेते हैं। गुड टीम। थैंक यू रत्ना जी, बहुत अल्टीमेट सिंगिंग। आई मीन व्हाट शुड वी से, इट्स जस्ट वी आर जस्ट लकी टू हैव यू। Flawless singing. That's flawless. What it means. Yeah, flawless. Exactly. Let's call Urmil ji now. अच्छा उर्मिल जी आप आइए। उर्मिल जी के गाने के बाद में मैं एक सरप्राइज सॉन्ग प्ले करूंगा आज, जो कि फिर से स्नेह जी के लिए है, किसी ने भेजा है मुझे वीडियो फॉर्मेट में, तो उर्मिल जी के गाने के बाद में मैं उस गाने को प्ले करूंगा, उसके बाद हम आने वाले सिंगर को बुलाएंगे। आइए उर्मिल जी। Thank you very much, Uzi ji, Sneha ji, happy birthday, God bless you, and Ratna ji ne to gaya diya hai chand ke liye, par abhi chand jo hai wo apne premi se mil rahi hai, so dono milkar dekho kya karte hain ye. Acha, well, let me say something before you start. You're looking pretty today, Urmil ji. Thank you very much. तेरे बिना जिंदगी से कोई
से शुक्रवा तो नहीं भी गाया, लेकिन हमेशा आपके म्यूजिक सिस्टम में एक प्रॉब्लम है। आई डोंट नो इफ इट्स मी, आई एम लिसनिंग इन दैट वे। आपका वोकल बहुत ही कम सुनाई देता है और म्यूजिक बहुत ज़्यादा लाउड होती है। जब आप बात करती है तब आवाज़ आती है ठीक से, लेकिन जब आप गाना गाती है तो वोकल बहुत ही कम सुनाई देता है। गाना आपने बहुत अच्छा गाया, सुर में थी, हम सुन भी रहे थे, लेकिन और थोड़ा वोकल ज़्यादा होता तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन बहुत अच्छा गाया।
क्योंकि मैं ना डिटूर से म्यूजिक लगाती हूँ, डायरेक्ट फिट नहीं होता है मेरे से अच्छा, कोई ठीक है, भी। कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपको चाहिए पर्सनली बहुत कुछ चाहिए बट वो टाइम ही नहीं होता है, लाइफ के कोई बात नहीं, मैं हाँ। अगर आपको चाहिए तो वीकेंड्स में आपको इसके लिए मैं हेल्प करूंगा। वी कैन मी एंड स्नेक कैन हेल्प थैंक यू गेट टुगेदर। यू सो वेरी मच, आई अप्रिशिएट दैट, स्नेक थैंक जी, यू। क्या ख्याल है आपका? Favorite songs, and can y'all hear me? Yeah. Yes. I like this song. Thank you for singing it. And we will set you up one of these days, okay? So, yeah, you're a good singer, but we don't want anything, any of your songs to get messed up. चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्मिल जी के गाने के बाद में मैं वो सरप्राइज सॉन्ग प्ले करना चाहता हूँ जो किसी ने स्नेह जी के लिए भेजा है। अलाउ मी टू शेयर माई स्क्रीन इफ़ यू कैन सी। आप लोग सब मुझे बताइए इफ़ यू कैन सी माई स्क्रीन। क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? कैन यू सी इट? Yes, we can see. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू प्ले इट। लेट मी नो इफ यू कैन सी। हेलो स्नेह जी, हैप्पी बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। दिस सॉन्ग आई प्रिपेयर स्पेशली फॉर यू, होप यू लाइक इट।
hope everybody have enjoyed this. Yay! Thank you, Shaila ji. Thank you for sending that song. It's that is also one of my favorites. How do you all know I like these songs? एक सेकेंड स्क्रीन ऑफ करनी पड़ेगी शेयरिंग. आई कैन नॉट डू इट नाउ. आई डोंट नो हाउ कैन आई डू इट. यू कैन स्नेक कैन कंटिन्यू. कैन यू सी we can see your phone. बट नॉट द माय वीडियो. या ओके नाउ नाउ वी कैन सी. या आई स्टॉप्ड इट. थैंक यू शैला जी फॉर दैट लवली सिंगिंग एंड डांसिंग. Really felt like a like we were partying. You really made my day, I would say. I like to sing that song as well. So it's a very peppy party song. Thank you, Uziji, for sharing that. तो स्नेह जी के बर्थडे के मौके पे आज सब लोग धमाल गाने लेके आए हैं और चांद का टॉपिक है. तो चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया और तारा तो होती ही है, सितारे भी होते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, आने वाले सिंगर को बुलाते हैं. उर्मिल जी के बाद में शैला जी की ये पेशकश थी और उसके बाद में आने वाली सिंगर है हमारी अरुणा जी. एम आई राइट? अरुणा जी प्लीज आइए. सॉरी आई हैड कॉल्ड स्वास्तिका जी एंड देन वी विल ओके स्वास्तिका जी. सॉरी अरुणा जी, स्वास्तिका जी आप आइए. Santa Claus is coming along, riding on the sleigh. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming along, riding on the sleigh. How to meet you? प्यारे खड़े संगी सजाए छोटा सा बंगला बनाए एक नई दुनिया बनाए. Thank you.
बहुत खूब। आपके गाने में एक खास बात मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, जो गायकी के अंदर आप चांद के ऊपर जो स्ट्रेस ले रहे थे गाने के ऊपर, दैट इज व्हाट द मेन अट्रैक्शन ऑफ दैट सॉन्ग। आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, सो दैट चांद इज द हाईलाइट ऑफ द एंटायर सॉन्ग एंड इन एक्चुअल रियल सॉन्ग में भी ये इसी तरह से दर्शाया गया है। तो हम लोग इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं। गानों में कई वर्ड्स के ऊपर या कई शब्दों के ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है इन ऑर्डर टू शो द एनहांस एंड शो द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक ऑफ द सॉन्ग। सो द सॉन्ग इज ऑन अबाउट हाउ द राइटर वॉन्ट्स टू टेक समवन ऑन द मून, यू नो, सो दैट इज वॉट इट इज ऑल अबाउट। सो इट वॉज अमेजिंग स्वस्तिका जी, आपने इसको बहुत अच्छा गाया। It's a bit hard. Can I say something? This is actually based on Western chords. Western chords, I know, yeah. And yeah. It's a different. Sthayi ek hai, antara ek hai. Beginning mein, Santa Claus coming. You know, all sorts of things together. So it's a bit hard, but I tried. Thank you. Wow. Indian classical is a bit different, is it? From the Western style of... Yeah, placing notes maybe. I didn't know that actually. Thank you for sharing that. Uzi ji, are you back? Yes, I'm back. Actually, somebody was on my door, wanted to talk to me for a bit. It's fine. Okay. So after Swastika ji, shall I invite Mangla ji? Did you like it, Shne ji? Did you like it? Sorry, I forgot to give you comments. Thank you, because it's for you. It's for you. No, I was. What I was thinking is how nicely, like, you sail with the notes. That's what I enjoyed on the harmonium, how you know, at your own pace, how you sing. I really enjoy that style, and I wish I could do that. Thank you. Every time I listen to y'all, I wish I could play the piano. It's for you. Aao tumhe chaand pe le jaye. Sab chalte hain chaand pe. Hum log chaand pe hi hain, actually. मेरा एक बिजनेस ओपन होने वाला है चांद के ऊपर, लेकिन उसके लिए मेरे को उसके लिए मुझे एक मोर चाहिए जो चांद पे जाके नाचे ताकि उसका बिजनेस शुरू हो जाए। यू नो हु द मोर इज, हम लोग इनको बाद में बताते हैं कौन है वो मोर जो नाचेगा चांद पे। आगे बढ़ते हैं, आने वाले सिंगर को बुलाते हैं स्वास्तिका जी के इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद में। हु इज द नेक्स्ट स्नेह जी? आई एम गोइंग टू कॉल मंगला जी। वी डोंट कीप यू नो द एल्डरली वेटिंग टू लॉन्ग, दैट्स व्हाई। मंगला जी आप आए, फिर उसके बाद में अगले सिंगर, प्लीज आप रेडी रहिए। ओके, थैंक यू। सबसे पहले मैं स्पेशल आपको ये देती हूँ, गॉड ब्लेस यू। आपको ब्लेसिंग देती हूँ, आप ऐसे रहो, ऐसे ही चालू रहो, अपना तबियत के लिए ठीक रखो। हाँ, हम आपका एग्जांपल फॉलो करेंगे और फिट रहेंगे, डोंट वरी। थैंक यू सो मच। मंगला जी आप अपना ओरिजिनल साउंड इनेबल करें प्लीज।
इनेबल योर ओरिजिनल साउंड मंगला जी. सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने भी आ जाएगी बहार. झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां. कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुँह से तारों के पार. लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ. भीगी भीगी रात में दिल का दामन थाम ले. खोई खोई जिंदगी हरदम तेरा नाम ले. चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर. जिंदगी है एक सफर, कौन जाने कल किधर. चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर. जिंदगी है एक सफर, कौन जाने कल किधर. आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने भी आ जाएगी बहार. झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां. कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार. लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ. दिल ये चाहे आज तो बादल बन उड़ जाऊँ मैं. दुल्हन जैसा आसमां धरती पर ले आऊँ मैं. चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे. झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले. चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे. झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले. आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने भी आ जाएगी बहार. झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां. कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार. लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ. थैंक यू. बहुत अच्छी तरीके से गाया. बहुत डिफिकल्ट सॉन्ग है, दो सिंगर ने गाया है. गाने की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है और सांस लेने की जगह बहुत कम है. मैं वही देख रहा था, आप थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से निभाया. इतना आसान नहीं है गाने को एक आदमी को निभाना. सो व्हाट अ वंडरफुल सिंगिंग मंगला जी. थैंक यू सो मच फॉर नाइस सिंगिंग. क्या ख्याल है स्नेही. थैंक यू मंगला जी, ब्यूटीफुली सॉन्ग. एंड
You always keep up with the beat. I hope. Why was there an echo from somewhere? Anyways, thank you, Manglaji. We would like to call Arunaji right away, and followed by Savitaji. Okay. Arunaji, तमे आवी जाओ, तमारा पची सविताजी, तमे आवी जाओ, तोड़ी नाखो, फोड़ी नाखो, बुक को करी नाखो, आवी जाओ. फोड़ी नाख तबला एंड फोड़ी नाख पेटी. This song is specially for Sneh. सामने वाली खिड़की में एक चांद सी स्नेह रहती है. मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सी स्नेह रहती है. अफसोस है जो कर हमसे खुद उखड़ी उखड़ी रहती है. मेरे सामने खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है. देखा है उसको हम क्षमा जलाना भूल गई. जिस रोज से देखा है उसको हम क्षमा जलाना भूल गई. दिल थाम के ऐसे बैठे है कहीं आना जाना भूल गई. अब और ये चांद सा मुकड़ा रहता है. मेरे सामने वाली गिनकी में एक चांद सा टुकड़ा रहता है. बरसात भी आकर चली गई, बादल भी बरस कर बरस गए. बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए. पर उसकी एक झलक को हम ए हुस्न के मालिक तरस गए. कब प्यास बुझेगी आंखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है. मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सी स्नेह रहती है. अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ी उखड़ी रहती है. मेरे सामने खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है. ओ तेरी, क्या गाना गाया आपने अरुणा जी. आग लगा दी, क्या बात है. वाह 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 वाह. रहती हूँ बाबा, मुझे देखो. ये तो अरुणा जी. एनीवे हैप्पी बर्थडे स्ने. अरुणा जी ने जो पैरोडी आज गाई, मजा आ गया. मुझे लगता है ना, एक एपिसोड हमको ना पैरोडी के ऊपर करना चाहिए. मतलब गाना की धुन हो और उसके ऊपर कुछ और वर्डिंग्स हो, जैसे कि अंताक्षरी में होता है, और कुछ और वर्डिंग्स डाल के उस गाने को बनाया जाए. हम लोग कुछ ऐसा भी कर सकते हैं. गुड आइडिया एक्चुअली अरुणा जी. एक्सीलेंटली पुट टुगेदर. थैंक यू. अच्छा अभी कई अभी अभी उखड़ा उखड़ा नहीं रहने का. ओके. अगर अभी अगर मुखड़ा उखड़ा उखड़ा दिखा तो सबके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे. क्या बात है, शायरी होगी. मुखड़ा उखड़ा टुकड़ा, आए आए. एनीवे थैंक यू. थैंक यू अरुणा जी. अरुणा जी के इस शानदार सिंगिंग के बाद में हम आज बुलाते हैं सविता को. तबला तोड़ी नाक एंड सभी सब कुछ फोड़ी नाक. आ जाइए. गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड हैप्पी बर्थडे स्नेह जी अगेन. हम भी अगर
बच्चे होते नाम हमारा होता बिलू गबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर डे टू डे। ओके, मुझे मेरे पापा बुलाते थे भालू। भालू या अबे भालू नहीं, भालू नहीं, आलू 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 हो गई थी मैं। आलू इज माय फेवरेट। ये सॉन्ग ऐसा ही है, बहुत अच्छा है ये सॉन्ग, पूरा गाना अच्छा है। कोई बात नहीं, अभी आलू के साथ में हम लोग दम आलू बना लेंगे, अभी फिलहाल गाना गाइए। हाँ ओके, मेरा गाना है अनाड़ी का, पिक्चर इज ऑन नूतन एंड राज कपूर। हाँ क्या बात है, वो चांद खिला वो तारे हंसे। हाँ वो बहुत फास्ट सॉन्ग है, आई डोंट नो इफ आई मेक एनी मिस्टेक, जस्ट फॉरगिव मी। जब मतवारी है वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात जब मतवारी है, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात जब मतवारी है, समझने वाले समझ गए ना समझे वो नारी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। जीवन में बजते के तार गाए, बहार उभरे है प्यार जीवन में। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात जब मतवारी है, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो नाड़ी है। हंसे ये रात जब मतवारी है। जब मत मारी है, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो नारी।
मारे हसे ये रात अजब मतवारी है। वाह वाह क्या बात है क्या बात है। थैंक यू। मैं जरा भाग लूं पूरा जरा रुकिए। चांद खिला वो था। अरे भाई इतना फास्ट गाना आपने बहुत फास्ट गाना है माय गॉड। मैं तो सोचा था कल से जिम के अंदर ये गाना लगा तो और मैं अपनी ट्रेडमिल शुरू करूं। ये या बहुत फास्ट चलेगी आपकी ट्रैक। वेरी नाइस nice, बहुत अच्छा गाया सविता जी। इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग। मजा आ गया। आप हमेशा ही अच्छे एंटरटेनिंग सॉन्ग लेके आती हैं। नई नई चॉइस होती है आपकी। वेरी नाइस nice, बहुत अच्छा गाया वो चांद खिला तारे हंसे। क्या ख्याल है स्नेह जी? एकदम फर्स्ट क्लास फटाफटी वाला झकास गाना। मजा आ गया। थैंक यू। थैंक यू अरुणा जी एंड सविता जी। इफ यू गॉट टू लीव देन इट्स ओके विथ मी। या ओके। Thank you so much for joining us today. Okay, अब हम देखते हैं कौन है स्क्रीन पे। आगे बढ़ते हैं, आने वाले सिंगर को बुलाते हैं। Actually, पापा जी वेट कर रहे हैं ना। Let's have a male singer. Let's have पापा जी। आप आए और स्नेह जी आपने आपका पहला गाना नहीं गाया अभी तक, तो आप कब गाने वाली है पहला गाना? ठीक है पापा जी के बाद मैं गाऊं। अच्छा पापा जी के बाद में स्नेह जी आएंगी फिर उसके बाद में आने वाले सिंगर बनाते। पापा जी तुसी किथे हो? हाँ जी सुनते ही मैंने भी बढ़ ले तो सही जवाब दे दी आपको है बढ़ने बढ़ने तो है जो नंबर है वो है हमने तो ग्रुप में काम में रही तो हम तो चल रहा है क्या सुनिए गुजर ऐ रात दरा कम कम पे गुजर
मेरा चांद मुझे आया है नजर, अभी लबों ने छुआ नहीं हर मान कोई पूरा हुआ नहीं, अभी लबों ने छुआ नहीं हर मान कोई पूरा हुआ नहीं, अभी आस का गुल खिलना है अभी दो सुनो तो मिलना है तेरे अभी, मैं वो मंजर देखूंगा अभी, मैं वो मंजर ऐ रात जरा कम हम के गुजर, ऐ रात जरा कम हे गुजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर, आया है नजर, ऐ रात जरा कम हम के गुजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर, आया है नजर, आया है नजर। क्या बात है भूपेंद्र जी, आपने ये जो गाना गाया क्या आपको पता है ये कौन से फिल्म का गाना है? जी, मेरे को पता नहीं, पता मैं बताता हूँ इसकी स्टोरी। ये मेरा एक पसंदीदा गाना है, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। कुमार शानू ने इसको गाया है, सैफ अली खान और ट्विंकल खन्ना के ऊपर इसको फिल्माया गया है। पिक्चर बनी थी 90 के दशक में, इसका नाम था मिस्टर आशिक। पिक्चर किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई, डायरेक्टर का देहांत हो गया, फिर ये मूवी 4 साल तक के लिए बंद थी। इसको फिर से रीमेक कर दिया गया 1999 के बाद और इस मूवी को री रिलीज किया गया नए नाम से, मुंबई मेरी जान, जिसके अंदर ये गाना बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, इसको कोशिश करूँगा मैं भी कभी गाने की। आपने इसको बहुत अच्छा गाया, धुन को थोड़ी सी आपने ट्विस्ट कर दिया लेकिन आपने उसको अच्छी तरीके से निभाया। बहुत ही लंबा गाना है और बहुत फील के साथ, म्यूजिक के साथ है, बहुत अच्छा गाया आपने भूपिंदर जी। Very nice, Thank you. And is it my turn to sing? आगे बढ़ते हैं, स्नेह दमारिया जी आएंगे अपना गाना लेके, प्लीज कम।
क्या बात है, स्नेह जी ने आज खुद चांद बन के चांद निकला बोल दिया। आप क्या करें बताइए, चांद ही अगर खुद ऐसा बोलने लगा तो फिर हम क्या सुने। तो बहुत अच्छा गया चांद, मेल के लिए फीमेल चांद है और फीमेल के लिए मेल चांद है, तो दोनों ही चांद हो गए। तो आपने बहुत अच्छा गाया स्नेह जी। ये गाना सेमी क्लासिकल सॉन्ग है, नॉर्मल नहीं है। इस गाने के अंदर विब्राटोज हैं और वेरिएशंस हैं, उतार चढ़ाव हैं। सुरों को अगर सही तरीके से नहीं निभाया गया, अंतरे को अगर मुखड़े के पास लाके उसको सही तरीके से नहीं गिराया गया, तो गाने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता, किरकिरा हो जाता है। आपने बहुत अच्छी तरीके से निभाया। मैं सुन रहा था ध्यान से कि कहाँ जाके आप फ्लैट हो जाती है, तो फ्लैट नहीं हुई। आई थिंक ये गाने की प्रैक्टिस आपने बहुत की है, सो बहुत बखूबी निभाया। By heart, it was really nice, very nice. बहुत अच्छी सिंगिंग। I think I just like the song. That's why I, you know, notice whatever ups and downs. But normally, yeah, you know the kind of singer I am. Sometimes. जो गाना हम ज़्यादा सुनते हैं, जो गाना हमारे दिल के करीब होता है, उस गाने को हम अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद। कई गाने ऐसे होते हैं जो हम बिल्कुल नहीं सुनते, चाहे वो कितने भी अच्छे गाने हो, हम उनको गा नहीं सकते क्योंकि दिल से हमने उसको कभी सुना नहीं, बहुत बार नहीं सुना, तो वो रिपीट नहीं कर सकती हमारी। There are very few songs I like and I am not a Bollywood fan. बहुत कम मूवीज देखी है मैंने और कुछ गाने ही मुझे पता है और पसंद है। आज बहुत खूबसूरत से गाया, आज उनका दिल बहुत खुश है इसलिए दिल लगा के गाया। अभी आप प्रैक्टिस कीजिए स्नेह जी, एक हायर नोट पे जाइए और गाइए, क्योंकि आपकी आवाज बहुत ही अच्छी है। अगर आप अपनी एक नोट बढ़ा के गाएंगी फिर भी बहुत खूबसूरत लगेगा। क्या बात है, थैंक यू फॉर दैट एडवाइस। राइट अवे आई एम गोना सिंग द सॉन्ग अगेन फॉर मे बी वन ऑफ दोस मिडवीक फॉर सारंगा एंड यू कैन टेल मी देन। या बट इंक्रीज योर लेवल लेवल नो स्केल। If you are singing in A sharp or G sharp, bring it to C, up to C. Rai ji also used to tell me that. Yes. He gave up. Yeah, because you've got lovely voice. And if you sing it in higher octave. I'm always afraid that it will just split, you know, like, I don't like. आपको पता चलना चाहिए कि गाना कौन सी नोट से शुरू होता है और अंतरा कौन सी नोट से शुरू होता है। एग्जैक्टली हाँ, तो पहले आपको क्या ट्राई करना चाहिए, अंतरा हायर नोट में है तो आप पहले अंतरा गा के फिर आपको आप शुरू की लाइन गाइए, वही आपका ओरिजिनल स्केल होगा और वहीं से गाना शुरू कीजिए और अंतरा हायर ले जाइए। You should always, whatever song you select, पहले अंतरा गा के कोशिश कीजिए। अगर आप पहुंच सकती है तो फिर डाउन जाके ना स्थाई की लाइन गाइए। थैंक यू सो मच हिमा जी आपकी एडवाइस के लिए। हम आपसे बहुत ही इंस्पायर्ड हैं, आप नॉलेज रखती हैं सिंगिंग का। रत्ना जी है, स्वास्तिका जी है, हम में बहुत सारे लोग हैं जो सिंगिंग की जानकारी है और उनको नॉलेज है, मेंटर भी है, टीच भी करते हैं। आपसे जरूर हम कुछ लेसन लेंगे। Why were you holding these back all this long? You could have anytime told me this before. No, but if nobody asks me, I don't speak because some people don't like it, you know. Yeah. We are welcome to criticisms. I don't mind if you. No, I don't criticize, but I would tell you the positive things. Hima ji, main correct. So criticism doesn't help. एग्जैक्टली एक मिनट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्रिटिसिज्म नहीं होता, हम हर चीज को पॉजिटिवली लेना चाहिए। No, I don't mean criticize. I meant point out my, you know, where I can improve. Where I can do tell me. It's called mentoring. लेकिन आज मैंने आपको जो बताया ना, वो कोशिश करके देखो, फिर आप
विनोद जी पहले गाया नहीं करते थे, फिर उन्होंने एक गाना शुरू किया है, सुहानी रात ढल चुकी, तो अंतरा उसका ऊपर जाता है तो वहां जाके ना रुक जाते हैं, तो बोलते हैं कि ये अंतरे तक तो मैं पहुंच नहीं पाता। फिर मैंने उनको बोला पहले अंतरा गाओ फिर स्थाई पे आओ, फिर मुकड़े पे आओ। एंड ही सिंग सो वेल दैट सॉन्ग, ही हैज मास्टर्ड इट एंड ही सिंग सो वेल, सो दैट इज द ट्रिक। He found a mentor in you. That's the trick. He found you now. हेमा हेमा जी, स्नेह जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हम लोग एक सेशन करेंगे जिसके अंदर इन जानकार सिंगरों को हम इनवाइट करेंगे और इनसे मेंटरिंग करवाएंगे कुछ घंटों के लिए, एक घंटे के लिए। एवरीबॉडी कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट, कैन लर्न समथिंग न्यू एंड कैन इम्प्रोवाइज देयर सिंगिंग। हम लोग एंजॉयमेंट के लिए गाते हैं, कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर हम इसमें सुधार लाएं तो गाना सुनने का और गाने का दोनों का मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, इसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं करते। स्नेह जी प्लीज अपकमिंग सिंगर को बुलाइए। Let me see. I think Suman ji, aap aaiye. Aur aapke baad let's have another male singer, Bharat ji. Okay. And then we'll call Hema ji. Hema okay. ji, are you okay? Yeah. Suman ji, aaiye. Suman ji ke baad mein Bharat ji, aap ready rahiye. Uske baad mein Hema ji aayengi. Hema ji, thanks a lot for your comments and for your wonderful, valuable advices. We would love to. I'm honored, honestly. Thank you so much. You don't need to thank me, because we are all in the same boat. Exactly. And we teach each other. We complement each other. Okay. So it's my turn now. Thank you so much, and very happy birthday to you, Sneh. May God bless you. Okay, I'll start now. Oh, 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 जाएगी तुमको की कैसे मिल आएगी, ओ खोया खोया चांद खुला आसमान आंखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे मिल आएगी, ओ खोया खोया चांद।
अब तो ना सताओ ओ हो खोया खोया चांद खुला आसमान आँखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी ओ खोया खोया चांद चले सजन के लिए हम चले सजन के लिए दिन कुछ करे वो चुप चुप रहे कोई जरा ये उनसे कहे ना ऐसे आजमाओ ओ खोया खोया चांद खुला आसमान आँखों में सारी रख जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी ओ खोया खोया चांद 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 क्या बात है सुमन जी क्या बात है ओ ये बहुत ही मतलब मेरा फेवरेट सॉन्ग है वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग देवानंद जी के ऊपर ये गाना फिल्माया गया था खोया खोया चांद मैं सोच रहा था कि अगर एंड में किसी ने ये गाना नहीं गाया तो मैं गाऊंगा लेकिन आपने गा दिया सो आई वाज लिटिल बिट सरप्राइज वेरी नाइस सुमन जी आपने बहुत अच्छा गाया बहुत अच्छा गाना है मेलेडीज म्यूजिक है इसकी एंजॉय करते हैं इसका गाने का जो पिक्चराइजेशन भी है वो भी इतना मनमोहक है पुराने ज़माने के जो ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स होते थे मूवीज़ होती थी अजीब सी सीनरी होती थी उनका एक मन को शांत करने कर देने वाला वातावरण होता था बहुत अच्छा गाना है आपने अच्छा गाया सुमन जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू क्या ख्याल है स्नेही जी When you were singing the last part, which repeats "Khoya khoya chaan, khoya khoya chaan," that's when I started feeling the song. Very well sung. I don't know if you have heard this song. You know, like oldie type hai. Sneh se bahut pehle ka. मैंने सबसे सुना है ये गाना बहुत पॉपुलर है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग इन दैट ईरा एंड रफी जी ने गाया इसको तो ऑफ कोर्स सभी ने सुना होगा आई एम श्योर ऑफ कोर्स थैंक यू थैंक यू सो मच सुमन जी अब भरत भाई को बुलाएंगे और फिर हेमा जी थैंक यू स्नेह जी एनर्जी जी स्नेह जी प्लीज म्यूट कर देना थैंक यू स्नेह जी म्यूट कर देना प्लीज थैंक यू चंदा ओ चंदा चंदा ओ चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया जागी सारे रे ना तेरे मेरे नैना जागी सारे रैना तेरे मेरे नैना हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं अपने आंसू मगर कैसे मैं दिखाऊं हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं अपने आंसू मगर कैसे मैं दिखाऊं मैंने तो गुजारा जीवन सारा बेसहारा हो जागी सारे रहना तेरे मेरे
नैना चंदा ओ चंदा चंदा ओ चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया जागी सारे नैना तेरे मेरे नैना जागी सारे नैना तेरे मेरे नैना तेरी और मेरी एक कहानी हम दोनों की कदर किसी ने न जानी तेरी और मेरी एक कहानी हम दोनों की कदर किसी ने न जानी साथी है अंधेरा जैसे मेरा वैसे तेरा हो जागी सारे नैना तेरे मेरे नैना चंदा ओ चंदा चंदा ओ चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया जागी सारे नैना तेरे मेरे नैना जागी सारे नैना तेरे मेरे नैना सपनों में खोई दुनिया है सोई तेरी और मेरी खबर पूछे ना कोई सपनों में खोई दुनिया है सोई तेरी और मेरी खबर पूछे ना कोई आ जा करे बातें मुलाकातें बीती रातें जागी सारे रैना तेरे मेरे नैना चंदा ओ चंदा चंदा ओ चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया जागी सारी रैना तेरे मेरे नैना जागी सारी रैना तेरे मेरे नैना थैंक यू क्या बात है भरत भाई वाह 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 बहुत ही खूब गाया ये भी मेरा फेवरेट गाना है कई गाने आज गा रहे हैं लोग सब मेरे फेवरेट सॉन्ग हैं किशोर कुमार जी का ये गाना है महमूद एक्टर हैं जिनके ऊपर ये फिल्मा गया है छोटे से बच्ची को लेके गोद में ये गाना गाते हैं बहुत ही इमोशनल मूवी है ये और गाना भी बहुत ही इमोशनल और हार्ट टचिंग है आपने इसको बखूबी निभाया धुन भी परफेक्ट थी और नोट्स भी परफेक्ट थे बहुत अच्छा गाया भरत भाई बहुत एंजॉय किया मैंने इट वाज टचिंग टू माय हार्ट वेरी नाइस सिंगिंग क्या ख्याल है परफेक्ट या आई फील द सेम दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स एज वेल फ्रॉम वन ऑफ द ओल्ड कलेक्शंस थैंक यू भरत भाई फॉर सिंगिंग दिस थैंक यू स्नेही थैंक यू आगे बढ़ते हैं भरत भाई के इस शानदार चंदा ओ चंदा के बाद दूसरा कौन सा चांद आ रहा है वो देखते हैं आइए स्नेह जी बुलाइए नेक्स्ट सिंगर को हेमा जी मैंने हेमा जी को बोला था और हेमा जी के बाद सुषमा जी हेमा जी आपका स्वागत है प्लीज आइए और आपकी खनकदार आवाज में एक चंदा वाला गाना सुनाएंगे गुड इवनिंग एवरीवन मेरा गाना भी चंदा के ऊपर ही है वो छोटे बच्चे को बोलते हैं तो आप सबको अच्छा लगेगा शायद आपने बहुत ही अच्छा गाया भरत भाई बहुत ब्यूटीफुल और प्यारी सी छोटे भाई छोटे बच्चे हैं बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई बहुत प्यारी लगती है आज
क्या बात है। सब आपकी मेहरबानी है, मुझे जितना अरे हंसाते आप, मुझे जितना आप लोग हंसाते हैं उतना मैं आई फील यंगर। हंसती रहो तुम, हंसती रहो। अच्छा, मुझे ये गाना अच्छा लगता है, देखो मैं। ओके okay. राजेश खन्ना जी अभी रहते तो क्या बोलते पता है? हो जाइए पहले प्लीज, हेमा जी स्नेह जी म्यूट हो जाइए। हेमा जी गिव इट अनदर स्टार्ट, आई हैड म्यूटेड एवरीवन। अनम्यूट कीजिए हेमा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ कर दिया, चलो अभी मैं शुरू हो जाती हूँ। Thank you.
क्या बात है, आपकी खनकदार आवाज के अंदर ये चंदा है तू, और आपके चेहरे पे इसको गाते वक्त जो मुस्कान थी उसने चंदा के ऊपर चार चांद और लगा दिए, मतलब पांच हो गए। क्या बात है, वाह बहुत खूब। गाना तो आप अच्छा गाती ही हो, और आज का ये स्पेशल सॉन्ग जो आपने गाया, जो चेहरे पे आपकी मुस्कान थी वो हमेशा ऐसी नहीं होती, आज कुछ खास बात थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा गाया आपने एज यूजुअल। क्या ख्याल है इसमें? आज हमारी प्यारी स्नेह जी का बर्थडे है, इसलिए मुझे बहुत उनके ऊपर प्यार आ रहा है। हाय हाय। स्नेह जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए, आपका माइक्रोफोन बंद है शायद। Can you hear me now? Yes, yes. तो लग रहा था जैसे आप उसी के लिए गा रहे थे। बेबी उजी के लिए। तो या वन सेक, मेरे सेटिंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आई विल फिक्स दैट एंड कम बैक। थैंक यू, बहुत अच्छा गाया आपने हेमा जी, और मुझे मुझे बोल रहे हैं, आई मीन देयर इज व्हाट आई वुड से आफ्टर you know you there's nothing left to say after your singing, it's just obvious that your singing was good and we all enjoyed it. ye ji aap itni bhav mukt ho gayi hai laughter ji, ji kuch bol nahi pa rahi hai aaj, kuch khushi ki seema nahi hai actually, it's one of, I mean gagadi har gaane ke liye hum log bol rahe hain, it's our favorite, but these songs are our favorite truly. Because I used to sing this song for my kids, and Veena ji was also enjoying it over there. I could see her. So thank you so much. आगे बढ़ते हैं हेमा जी के शानदार सिंगिंग के बाद में। स्नेह दमारिया जी थोड़े देर के लिए स्क्रीन से लुप्त हो जाएगी, लेकिन जाने के पहले आने वाले सिंगर को बुला के जाएगी। स्नेह जी प्लीज आने वाले सिंगर को बुलाइए। Let's see. मेरे को बोला है। हाँ, हाँ. सुषमा जी आइए। सुषमा जी ए, क्या बोलती तू, मेरे को बोला है किसी ने आना नहीं। बहुत अच्छा गाया, हैप्पी बर्थडे तुम्हारे लिए। एक दो लाइन में बोलती हूँ पहले, जन्मदिन की ये खास लम्हे मुबारक हो तुमको, जन्मदिन के ये खास लम्हे मुबारक, आंखों में बसे नए ख्वाब मुबारक, जिंदगी जो लेकर आई है आपके लिए आज, वो तमाम खुशियों की हंसी सौगात मुबारक हो तुम्हें। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। Thank you.
क्या बात है, क्या बात है सुषमा जी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी। भाई साहब, चांद चाहे आधा हो या रात आधी हो, बात तो पूरी होके रहेगी आज। वेरी नाइस, बहुत अच्छा गाया आपने। वेरी नाइस, ये गाना बहुत ही मनमोहक है। इस गाने की जो पिक्चराइजेशन है वो संध्या जी अपने सर पे गगरियां लेके जिस तरह से वो डांस करती है, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट डांस। और मैंने ऐसा सुना है, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़, कि वो गगरियां एक दूसरे के ऊपर चिपकाई नहीं गई थी, बाकायदा सिंगल गगरियां खुली खुली थी जो एक के ऊपर एक रख के। संध्या जी एक क्लासिकल डांसर थी और बाद में वो मूवीज़ में आई, एक्टिंग करने लगी, और उन्होंने इस गाने को डांस एक्चुअल में किया था विदाउट स्टिकिंग दोज घगरिया ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। सो इट इज़ नॉट एन ईजी डांस, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट डांस एंड इट वॉज डन इन वन शूट द एंटायर सॉन्ग। दैट्स व्हाट आई हर्ड फ्रॉम द पास्ट स्टोरीज ऑफ एन एंशिएंट मूवी मेकर्स। आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़, बट अगर ये बात सच है सो इट इज हाईली इम्पॉसिबल इन टूडेज वर्ल्ड टू डू दिस काइंड ऑफ डांस। सुषमा जी, आपने ये गाना याद दिला के बहुत ही अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वॉज रिमाइंडर ऑफ एन पास्ट मेमोरीज। थैंक यू सो मच सुषमा जी। क्या स्ने जी, एक्सेलेंट, आप हमेशा ही अच्छी तरह जो भी आराम से गाती हैं, द कॉन्फिडेंस, आई लाइक हाउ यू डिलीवर योर सॉन्ग, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू स्ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, आने वाले सिंगर्स को बुलाते हैं। मेरे पास लिस्ट नहीं है, रैंडमली मैं तीन सिंगर को कॉल करूंगा, आप रेडी रहिए। आइए वीना वर्मा जी, वीना वर्मा जी के बाद में इंदिरा जी, आप रेडी रहिए, उसके बाद में रश्मि जी, आप रेडी रहिए। वीना वर्मा जी, प्लीज कम। ओके, मेरा ओके, पहले तो मैं स्नेह जी को हैप्पी बर्थडे का विश करूंगी। बार बार दिन ये आए, पार पार दिल ये गाए, पार पार दिल ये आए, पार 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 दिन गए, तुम हजारों साल मेरी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर स्ने, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
Everybody felt like singing. Thank you, Swastika ji. Thank you, Veena ji. Thank you, and Sushma ji. Okay, let's hear it from you, Veena ji. And by the way, since your son has visited you, you are looking more vibrant, younger. My sister's son. Yeah. He's gone today. So okay. Nobody here. Okay. He's gone back today. He was only here for business tour. Okay, you know my song, I was going to sing Chaudhvi Ka Chand Ho, but I think Ratna ji has already sang, but I've got another song, but I haven't practiced. I'm going to try it. ठीक है, गलती होगी तो फुल चुक माफ, ठीक गलती नहीं होती, आप भाई आप एंजॉय करेंगे. ओके. ओ रात के मुसाफिर चंदा तेरा बता दे मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे ओ रात के मुसाफिर चंदा तेरा बता दे मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे कुछ भी नहीं तो मुझ पे फिर क्यों कोई खफा है भूल कोई दिल की आंखों की ये कथा है कुछ भी नहीं तो मुझ पे फिर क्यों कोई खफा है फिर क्यों कोई खफा है मजबूर है वो मुझको जो कुछ भी सी सजा दे मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे Very nice. सॉरी 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 बहुत गलती हो गई
नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, वीना जी आपने बहुत अच्छा गाया, ये भी मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है, बहुत ही पुराना गाना है ये, रफ़ी साहब ने भी गाया है इसको, लता जी ने भी गाया है, फिल्म का नाम है मिस मैरी, ये गाना बहुत ही हिट हो गया था एक ज़माने में, और बहुत लंबा गाना है और इतना आसान नहीं है, सांस लेने की जगह कम है, फास्ट है गाना ये, तो एक्चुअली आप ड्यूएट है ना, तो वो मेरे लिए थोड़ा कैचअप करना मुश्किल हो रहा था। आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से निभाया, दो लोगों के गाना साथ में है, इसमें थोड़ी सी सांस लेने की जगह कम हो जाती है, म्यूजिक भी फास्ट चलती है, पुराने जमाने का गाना है लेकिन उस वक्त ये गाना बहुत फास्ट माना जाता था, तो आपने इसको अच्छा निभाने की कोशिश की, विदाउट प्रैक्टिस गाया है, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो ही जाती है, बहुत अच्छा गाया वीना जी आपने, क्या ख्याल है इसमें? यही ख्याल है जो आपने कहा अभी, she tried, like she said, she would try, so you tried and which is good, you participate, which is another plus point, so thank you and thank you for the good wishes, we love you too. So let's proceed. आगे Uzi ji, you बढ़ते had called someone? हैं, या आगे बढ़ते हैं, इंदिरा जी आएंगी, इंदिरा जी के बाद में रश्मि जी आएंगी, इंदिरा जी प्लीज आइए, अनम्यूट कीजिए इंदिरा जी अपने आप को, हूं करो जो तमें इंदिरा जी, आओ करा है, आओ ना करा है। आपने इंदिरा जी के क्वेश्चन क्वेश्चन का सवाल का आंसर आंसर नहीं, नहीं क्वेश्चन क्वेश्चन का का सवाल सवाल नहीं नहीं आंसर, अरे अरे बाप बाप रे, रे, एको एको आप हेलो गाइए, एवरीवन, हैप्पी बर्थडे स्नेह जी, विश यू ऑल द बेस्ट।
ये गाने के पहले फना फिल्म का ये गाना है, आमिर खान और काजोल पे फिल्माया गया है। गाने की शुरुआत में आमिर खान बोलता है, हमसे दूर जाओ जाओगे कैसे, हम वो खुशबू है जो सांसों में बसते हैं, खुद की सांसों को रोक पाओगे कैसे। आदावर से बहुत अच्छा गाया आपने इंदिरा जी, वंडरफुल सिंगिंग। फना का ये बहुत बेहतरीन गाना था, बहुत हिट हो गया था, आपने इसको अच्छा बखूबी निभाने की कोशिश की और कुछ हद तक अच्छा भी गाया। पूछते हैं स्नेह जी को, आपका ये गाना कैसा लगा? स्नेह जी क्या ख्याल है आपका? ये गाना तो हमारा भी फेवरेट है। आई लाइक द होल मूवी एंड आई लाइक ऑल द सॉन्ग फ्रॉम दिस मूवी एंड द स्टोरी ऑफ कोर्स। इट वाज एन एक्सीलेंट मूवी। आई एंजॉयड द सॉन्ग। योर पिक्स आर गुड। I think Indraji, you need to just put in some more Bindas Gao na yaar. Abhi aur kya main bolu? Energy. Yeah, you need to put some energy in it. Don't be afraid that how will it sound. It's like there are some blockages in your mind that you're thinking maybe it will sound good or not. I can see doubt on your face. Just sing it. And we'll enjoy it, okay? Yeah. Full energy in this song, because this is an energetic song. So you have to keep up with the beat and just... It's a male song, right? So even more energy you need to put in to make the impact. Indra ji, simple word ma tamne kahun chu, bindas gavano. Khatam thai gayi baat. Agar vadhi. Next, let's move forward. Let's call upcoming singer. Thanks so much, Indra ji. बहुत अच्छा गाया आपने. Hema ji, thanks for your tips. आगे बढ़ते हैं. Rashmi ji को बुलाते हैं. Rashmi मैंने ji. भी कुछ tips दिए थे. You never acknowledge my. हाँ, स्नेह जी के भी tips के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. दिल से अपने आभार व्यक्त करता हूँ स्नेह जी. आगे बढ़ते हैं. Rashmi ji को बुलाते हैं. Rashmi ji, please आइए. स्नेह जी, खूब खूब जन्मदिन की मुबारक और बधाई. और वैसे तो आप बहुत अच्छी लग रही है और ऐसा लग रहा है कि आप पे ये पार्टी हो रही है, तो मजा ऐसे लग रहा है ना, पार्टी हो रही बिना खाने के पार्टी, ऐसी ऐसी कोई पार्टी. उजी जी समोसे भेजने वाले थे, कुछ आए नहीं अभी तक. मैंने आज समोसा नहीं, बटेटा वाला बनाया है, तो मैं भेज. वो तो और भी फेवरेट है. चलो खा लो और हमें बता दो कि हमने आपने हम सबके लिए खाए हैं. बस 12-15 खाने पड़ेंगे. ओके, सो आई एम गोइंग टू सिंग दिस वन, बट आई होप आई कैन डू जस्टिस बिकॉज़ आई प्रॉमिस्ड और आई सेड टू शैला जी दैट आई विल ट्राई माय बेस्ट. होपफुली आई कैन डू जस्टिस. आई नेवर संग इट बिफोर, फर्स्ट टाइम एवर आई एम सिंगिंग दिस सॉन्ग, सो forgive me if it's not right. You can do it, I know. Please go ahead. Thank you.
बात है रश्मि जी। कुछ बातें कहना चाहूँगा इस गानों को गाने को सुनने के बाद। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो ये गाना मेरा फेवरेट सॉन्ग है, वन ऑफ द फेवरेट। मैंने ये गाने को एक प्रोग्राम में भी गाया है, सारंगा में, जब हम लता मंगेशकर जी को ट्रिब्यूट दे रहे थे। मैंने खुद गाया, बींग एज एन मेल सिंगर मेरे लिए गाना बहुत डिफिकल्ट था। और ये गाना इतना आसान नहीं, सुनने में बहुत आसान है, लेकिन इसके सुर और इसकी पीच कभी कभी इतनी हाई जाती है, सांसों की कमी महसूस होती है। दूसरी बात, आपकी आवाज़ इस गाने को इतनी सूट कर रही थी, जब आपने गाना शुरू किया मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया सुनने का। गाने की प्रैक्टिस आपकी थी नहीं, इसलिए आप गाना 100% निभा नहीं पाई। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे ये कि आप इस गाने को प्रैक्टिस करें और म्यूजिकल माइंड में ही इसको फिर से गाएं। मैं फिर से आपका ये गाना आपकी आवाज़ में सुनना चाहता हूँ, एंड आई एम श्योर आप बहुत अच्छा गा सकती हो। कुछ कुछ अंतरे जो आपने गाए, जो सही गाए, जो मिस्टेक होगी उसको छोड़ दीजिए, जो सही गाए वो सुनने में इतने अच्छे लग रहे थे, एंजॉय कर रहा था। गाने की जो फील है वो फील होनी चाहिए हार्ट में, वो लगना चाहिए दिल को जाके। तो कई बार ऐसे कनेक्शंस हुए आपके गाने गाते वक्त, ये मेरी एक अपनी एनालाइजेशन है बींग एज एन लिसनर। गाने की थोड़ी बहुत जो मेरी जानकारी है, जो नॉलेज है, उसके हिसाब से आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, खनकदार है, हस्की आवाज़ है आपकी, एक खनक है उसमें। अगर आप गाने को ठीक से निभाएं, इस गाने को बहुत ही सुंदर गा सकती है आप। दिस इज़ व्हाट माय एडवाइस, बट यू हैव ट्राइड इट वेरी नाइस। स्नेह जी को मैं पूछूंगा कि कैसा लगा उनको गाना। स्नेह प्लीज़ कम। अच्छा अच्छा ओके, सो मुझे लगता है स्नेह जी फ़ोन पे हैं। तो रश्मि जी, आपने इसको बहुत अच्छा गाया, आप प्लीज़ इसको अगली बार ज़रूर गाएं। आई एम श्योर एवरीबडी विल एग्री विथ मी कि बहुत अच्छी लग रही थी आवाज़ इस गाने के अंदर आपकी, एंड आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम जब आप गाओगे तो बहुत अच्छा गाओगे। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा गाया। उसी जी, दिस ट्रैक आई चोज, द ओरिजिनल ट्रैक दैट आई चोज टू प्रैक्टिस यस्टरडे, बिकॉज आई ओनली चोज दिस यस्टरडे, आई कुडंट फाइंड इट ऑन द यूट्यूब, सो आई हैड टू चूज अनदर वन व्हिच आई डिडंट क्वाइट लाइक, बिकॉज इट केम, द लाइंस केम लेटर ऑन व्हेन आई वांटेड टू सिंग देम, सो दे वर कमिंग later on, and this is why I couldn't sing it properly, but next time I'll try and find the song. हम लोग ट्रैक के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, वो ट्रैक हमको फिर से नहीं मिलती है, देन फिर गाना आगे पीछे हो जाता है। इट कैन बी द रीजन, यस ऑफ कोर्स। सो बट स्टिल आई वुड लाइक टू, आई वुड लव टू लिसन दिस सॉन्ग अगेन इन योर वॉइस। ओके ओके, आई एम रेडी। उजी जी, रश्मि जी, यू सैंग वेरी वेल, आई वाज लिसनिंग एंड लास्ट मोमेंट माय सन कॉल, सो आई कुडंट, यू नो, आई हैड टू टेक दैट कॉल, दे हार्डली कॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आखिरी पड़ाव पर है, हम लोग प्रोग्राम के अब अंत होने वाला है। अंत में हम लोग कुछ अच्छी और खुशी की बात करें, कुछ एंजॉय करें। स्नेह जी आज बर्थडे है, तो मैं स्नेह जी को पहले बुलाता हूँ एक आखिरी गाना पेश करने के लिए, उसके बाद में हमेशा की तरह मैं आऊंगा और फिर प्रोग्राम को हम एंड करेंगे। स्नेह जी प्लीज कम। I don't know why my screen is shaking, but I'll never nevertheless. You stable, don't worry, we see you right. Balance is good. Oh,
चांद ने कुछ कहा, रात ने कुछ सुना, किसी ने कुछ भी कहा हो, किसी ने कुछ भी सुना हो, प्यार कर, ओ हो प्यार कर। अच्छा गाया स्नेह जी। आपकी एक खास बात है कि आप गाने जो गाती हैं, चुनती हैं, भले आपने कभी सुने नहीं हैं या एक दो बार ही सुने हैं, और आप उसको गाने की अटेम्प्ट करने की कोशिश करती हैं, विच इज़ रियली डेयरिंग। नहीं कर सकते, अच्छे अच्छे गाने गाने वाले भी अगर कभी कोई गाना सुना हुआ नहीं है या एक दो बार ही सुना हुआ है तो उसको गाने की हिम्मत नहीं करते, डरते हैं कि मिस्टेक हो जाएगी, कहीं ना कहीं हम अटक जाएंगे, लेकिन आप फिर भी उसको हिम्मत करके गा के एंड तक लेके आती है, निभाने की कोशिश करते हैं, विच इज़ रियली डेयर डेविल। वाओ, नाइस, थैंक यू सो मच स्नेह जी, इट वॉज वंडरफुल। Yeah, she is a daring lioness. Yes, no? Daring lioness, oh my God, team. Yeah, she tries and she... Because I know Uzi will handle the comments. ऐसा नहीं है, आप गाती हो सचमुच, जो सच है वो बोलता हूँ मैं, मुझे जो फील होता है, जैसे किसी का गाना सुन के अगर मुझे कुछ चीज़ें फील होती है या मेरे दिमाग में आती है, आई जस्ट एक्सप्रेस इट, और वो नेचुरल है, बनाई नहीं जाती। या जैसे भी रश्मि जी ने गाना गाया, इट वॉज रियली टचिंग टू माई हार्ट, कुछ कुछ उन्होंने जो लाइन ये गाई वो मुझे बहुत छू रही थी, क्योंकि ये मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, और उनकी आवाज़ इतनी मैच कर रही थी, वो फील हो रही थी मुझे। हाँ, so it was very nice. Her personality suits some songs. She's so soft and she's very like delicate darling. So when she sings some songs really sound good in her voice. Honestly गाती है वो जो। Okay, so let's invite Uzi ji to finish the show with a surprise song. Let's hear it. हमेशा एक surprise song होता है मेरा, और प्रोग्राम की शुरुआत आज मैंने एक भी सरप्राइज सॉन्ग से की, जो स्नेह जी के बर्थडे के लिए था, बार बार दिल लिए गाएं, तो आपको अच्छा लगा होगा गाना, ये भी एक सरप्राइज सॉन्ग है, स्नेह जी के लिए खास लाया हूँ, लेकिन चांद के ही थीम के ऊपर है, होप यू विल एंजॉय। करते हैं धमाल आखिर में कमाल, चलिए सुनते हैं। Thank you.
इतना ही गाना था, इसके आगे नहीं गाना था। क्यों नहीं गाना था, आपको किसने रोका? चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम उस पे ही खत्म करना है, आगे नहीं गाना है, फिर वो आगे गाने का मजा खत्म हो जाता है। फिर कभी पूरा गाएंगे, आप कहीं और चले गए। कहीं और दुनिया में भटक गया। हाँ जी जी, एकदम आई डोंट नो, you I thought you would finish the song, but whatever you sang was amazing, like, you know, a dream. So ख्वाब आते रहे, ख्वाब जाते रहे, नींद में ही होठ मुस्कुराते रहे, वक्त की बर्फ यूं ही पिघलती रही, वो मनाते रहे। क्या बात है, क्या बात है, वो मनाते रहे और हम रूठते रहे, रूठना मनाना चलता रहा। ये थी सुषमा जी की शायरी। अच्छा, सुषमा जी कभी कभी चुपचाप बैठे बैठे सरप्राइज देती है पीछे से बैकग्राउंड में। क्योंकि मैं तो गाने में एकदम I was lost with the song, तो रिमाइंडर भेजती रहती है कि शायरी भी बोलनी है बाबा। चलिए, तो आई थिंक इट वॉज अ वंडरफुल इवनिंग। चांद के ऊपर बहुत सारी बातें हुई, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए गए, सभी ने बहुत अच्छा गाया, इनफैक्ट सभी ने दिल से गाया। आज का दिन बहुत खास था, सभी गाने जो गाए गए वो फेवरेट और सुपर हिट गाने थे, सभी ने बहुत अच्छा गाया, मेरे को तो सबके गाने अच्छे लगे आज। और मेमोरेबल इवनिंग, सो आशा रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अगली बार भी आप सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे और आपकी कंट्रीब्यूशन इसी तरह रहेगी और हम एंजॉय करेंगे एक दूसरे के गाने। गलतियाँ होती रहती है, गलतियों पे नज़र ना रखें, नज़रअंदाज कर दें उनको, दिल से गाइए, बिंदास होके गाइए, एंजॉय करिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लेट्स हैव अ पिक्चर, एवरीबॉडी कम टू द स्क्रीन एंड वंस। हेलो, सही भी बैठे हैं, मैं इतने देर से देख नहीं रही थी गैलरी व्यू। ओके, स्माइल एवरीवन, चीज हलाल फिक्स करने में एक चीज। थैंक यू, थैंक यू, बट व्हाट्स द थीम फॉर नेक्स्ट वीक? वेट, आई हैव अ थीम, वेट Wait, 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 wait. Let's turn off the recording before somebody steals our theme. Yet.
हाँ